समाजवादी पार्टी के विधायक ने बुधवार को विधानसभा में वंदे मातरम पर किए वक्तव्य पर अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। भाजपा अल्पसंख्यक विभाग की ओर से अबू आजमी के वक्तव्य पर अबू आजमी का निषेध करते हुए शहर के दोसर भवन चौक पर आंदोलन किया गया। विभाग की ओर से अबू आजमी ने माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से अबू आजमी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। अभी जो अबू आजमी साहब जो है वो इन्होंने जो अभी वंदे मातरम का जो विरोध किया है, मैं समझता हूँ उनको ये कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि वंदे मातरम क्या है। कि वंदे मातरम जो है वो आज़ादी की पहचान है। देश की आज़ादी के वक्त इसी नारे को लगाया गया और आज देश आज़ाद हुआ। और उनको ये भी याद होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी है, हमने जो कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन था उस वक्त उन्होंने नारे लगाए जब किसी ने विरोध नहीं किया। आज ये नारा वो नारा है। हम तो प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं उनको कि उन्होंने इस पहचान को और आगे बढ़ा दे। आज वंदे मातरम ट्रेन जो चालू हुई ये क्या है, ये वो पहचान है। वंदे मातरम जो है यही वो ताकत है जो देशवासियों में आज़ादी के जो मतवाले थे उनने जान पैदा किया और इस ताकत को लेकर अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। मुस्लिम समाज के अंदर आज मुस्लिम समुदाय की हालत बहुत कमजोर है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर और बेबस है। कारण यह है ये अबू हाशमी जैसे जो नेता है ये जो अपने स्वार्थ के लिए अपने फायदे के लिए सारे मुसलमानों को आज बेरोजगार करके रख दिया। आज सारे मुसलमानों को आज कमजोर करके रख दिया। आज इनकी सोच बदलना चाहिए ऐसे लोगों के। लेकिन आज जागरूकता पैदा हो गई है। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा लगाया सबका विश्वास सबका साथ, ये जो नारा है सबका विश्वास ये देशवासियों के दिल में घर पैदा कर दिया। आज यही वजह है आप देखिए कि आज इनके पास कुछ भी नहीं रहा। आज इनको मालूम है कि आज 2024 के जो चुनाव आ रहा है ये जो लोग हैं ये खाली होते जा रहे हैं। आज वो दिख रहा है कि आज जो इनके पास 26 दल बने हुए हैं ये कोई दल काम के नहीं है। घर में चार भाई की नहीं बटती है, इनकी कहाँ बटने वाली है। मेरा कहना ही पड़ता है अबू हाशमी जी अपनी सोच बदल लो, तुम्हारा मुसलमान जागरूक हो गया है। मैं यकीन दिला रहा हूँ 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का सारा मुसलमान वो एक होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आएगा। क्योंकि आप मैं बता रहा हूँ अबू हाशमी जी आप जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो सिंधु नदी का पेड़ है।